भैया मैं निवेदन करता हूँ, देखिए हाँ देखिए सबसे मिलेंगे पहले, उसके बाद अपने अपने सब जो भी सभी का भाषण करवाएंगे। देखिए लड़के जरूर जाएंगे, ये हमारी सोच है। डॉक्टर साहब आपके बीच में, डॉक्टर किरण जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं, आप सब सामने को मिले हैं, हो चुके हैं। मैं सोचों को रहने वाले जो अपने सोचों में जगह अपनी खाली करनी पड़ेगी, अपने कमेटी के बल्कि मैं निवेदन करता हूँ कि आप सोचों में से थोड़ा जगह खाली करें। और कोई दुख दर्द परिणाम में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा, हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको, लाख में से भी सोना निकाल के आपके बीच में बांटूंगा, इस बात का बहुत समझा। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शन देते हैं, राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के एक गांव में दो लंडवे मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा दे रहा हूँ, करा दूंगा कराऊंगा उनके है, वो एक 44 साल का एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करूँ, तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा, वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कभी पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूँ, आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप कहोगे, उन्हें पूरा सहयोग देना और उसको अच्छा विकसित। पुरुष देश में समाज में जिन लोगों ने अपनी त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार प्रेम मोहब्बत सद्भावना त्याग समर्पण एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे 36 कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राजनीति में होता आपको बहुत सारे भाई जानते होंगे,
सभी आपका भाई बंदे बड़ीला गाँव है अनंत बड़ीला, आपकी सेवा में हमेशा रहता हूँ। मेरे को 10 साल पहले गुरु जी मिले थे, अचानक स्थान पाया था। ये मन गठन कहानी दिख रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे को उस टाइम 2013 के अंदर रात में बढ़ाई थी हमने, तो मैं प्रचार करता घूम रहा था रैली के लिए, तो भूख लग रही थी, तो मैं बाबा से फिगर आशीर्वाद लिया और बाबा मुट्ठी भर के काजू लाया, काजू बदली और बाबा उसी तरह धन्य। अच्छा भाई, अरे भाई बैठ बैठ जाओ यार, मैं छपना जानता हूँ। अरे तू खाकी है, खाकी बटी है जन्नो, ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दे। ये तो बाबा हाई नहीं कर रही, ओ महाराज, ओ महाराज, ये तो मना कर रही है। सरकार ने चलाई, मैं निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे बीच में दशकोर जी भी विराजमान है, मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए, परियोजना चालू रख दियो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से दशकोर जी को कहना चाहूंगी, दशकोर जी शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे, जो इस भूमि को प्रणाम करता हूँ, नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, ये धार्मिक नगरी भेड़ोली का जो आश्रम, ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा, आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत बहुत जनता को लाभान्वित करें। विधायक इंद्रा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम मेहर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कॉर मीणा जी, रामलाल मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई, बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोलहवीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपने त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे हैं इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है।
समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे छत्तीस कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। तो आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राजनीति में उतार आए चढ़ाव आए, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहे। राखो राज की रोड़ी को, राखो राज बुढ़ापा को। ये सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के ही गया जितने वोटों से जीता गया सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो दो ध्रुव एक हो गए, पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई मैया बोली और बामनवास की जनता ने पार पार, इसलिए मैं बोली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, न बामनवास का भूल सकता, न सवाई माधोपुर का भूल सकता, न पूर्वी राजस्थान राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता रहा था वहां जो सब्जी उगाई जा रही है वो हमारा विभाग ही हुआ था, तो ज्यादातर आप किसान हैं। मैं गांव में कैंप लगवाऊंगा, भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे, और मैं भी कैंप आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए, ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूं तो गांव का काम भी मेरे को संभाल दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को संभाल दिया, और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको, लाख में से भी सोना निकाल के आपको बीच में बांटूंगा, इस बात का बहुत सम्मान करूंगा। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शन देते हैं, राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना, वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के गांव में दो लंडवे मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा, तो करा देगा, कराऊंगा उनके हैं वो 44 साल का एक 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करो, तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। तो मैं आपके बीच में आऊंगा, वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार